हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग बना रहे हैं पालक पनीर। और ये जो पालक पनीर है मैंने बनाया है, शेफ़ कुणाल की एक रेसिपी है पालक पनीर के, उसी से इंस्पायर है। सो ये बहुत ही, वाकई में बहुत ही यम्मी बना है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पालक को धोकर साफ़ कर लिया है और अभी हम इसे पकाना नहीं है, सिर्फ पानी में 2 से 3 मिनट के लिए ही बॉईल करना है। बस 2 से 3 मिनट में, सिर्फ 2 मिनट के लिए। और इसको थोड़ा बॉईल करने के बाद हम इसको निकाल के और एक पतीली में जो है ठंडा पानी लेना है फ्रिज का, उसमें हमें इसको डालना है। तो इसको यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं और मैंने इधर एक पतीली में पानी ले लिया है, ये बर्फ़ वाला पानी है। और अभी हम इसमें इसको डिप कर देंगे थोड़ी देर के लिए। हमें सारी पालक इसी के अंदर डालनी है। तो ये मैंने ठंडे पानी में डाल दिया है और अब हम इसको अच्छे से, इसको में से निकालने के बाद इसको अच्छे से पीस लेंगे। एक बारीक सा पेस्ट बनाना है। तो अभी मैं इसका पेस्ट बना लूँगी। और इसको ठंडे पानी में डालने का रीज़न ये होता है कि इसका जो कलर है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट बना के रेडी कर लिया है। रेसिपी बहुत ही इजी है और कम मसाले में बनी है, तो इसलिए टेस्टी भी बहुत है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई गरम की हुई है, इसमें मैंने डाला है बटर। आप बटर की जगह पर घी या फिर ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। तो इसमें थोड़ा सा ऑयल भी मिक्स करूँगी। और इसमें मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन को अच्छा बारीक कट करके, और उसके साथ 2 से 3 हरी मिर्च। अभी हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। और मैंने यहाँ पे एक प्याज उसको बारीक से कट किया हुआ है, बिल्कुल बारीक। पेस्ट नहीं बनाना है, सिर्फ इसको कट करना है और इसको अच्छे से ब्राउन होने तक हमें भूनना है। और इसके बाद हम इसमें जो है हमारी पालक ऐड कर देंगे। तो ये हो चुके हैं और अब हम इसमें पालक मिक्स कर लेंगे। और मैंने जीरा डालना मैं भूल गई थी, मैंने अभी इसमें डाला थोड़ा सा जीरा। और जो हमारे प्याज है वो अच्छे से पक गए हैं और अभी मैं इसमें पालक, जो पालक मैंने पीस के रखी थी वो हमें ऐड करनी है। टमाटर का इसमें यूज़ नहीं किया है। सो मैं सारी पालक डालने के बाद, पालक वैसे हमारी पकी हुई है तो इसको पकाने के लिए हमें ज़्यादा टाइम तो लगेगा नहीं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो गई है। अब हमें इसमें मसाला ऐड करने हैं। मसाले में सिर्फ मैंने यहाँ पे नमक डाला है, नमक लेना है हमें स्वाद अनुसार। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च अपने स्वाद के अकॉर्डिंग लेनी है, कम ज़्यादा जैसे आपको पसंद है। हल्दी में इसमें नहीं डालेंगे, वो थोड़ा सा गर्म मसाला। हल्दी इसलिए नहीं डालते, इससे कलर उसका ऐड हो जाता है, तो जो पालक का कलर है वो थोड़ा सा दब जाता है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके हमें 2 से 3 मिनट के लिए इसको पकने देना है। सो फाइनली ये पक गई है अच्छे से। और अभी हमें इसमें डालना है पनीर। सो पनीर को मैंने फ्राई नहीं किया है, सिर्फ इसके बाद ऐसे क्यूब करके और कच्चा पनीर डाला है। कच्चा पनीर डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो पनीर ऐड करने के बाद मैं हमको इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो अभी हमने पनीर ऐड कर दिया है और हम इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जब मिक्स करेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि पनीर जो है हमारा मेल्ट ना हो जाए। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ये हो गया अच्छे से मिक्स और जो पालक पनीर है हमारा बन के रेडी हो गया है। और ये बहुत ही टेस्टी है, इसमें कम मसाले में बनाया है। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा।